यहाँ से ऊपर आके देखते हैं तो बहुत ही अद्भुत नजारा नजर आता है इतने दूर से देखने में। ये देखो इधर झरना गिर रहा है, इधर पानी ऊपर से आप देख सकते हो। और अभी पास चल के दिखाएंगे उधर, ये इतने ऊपर से पानी गिर रहा है, बड़ा ही बहुत सुंदर लग रहा है। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मलते हैं। शेरू भूख लग रही तो जा भी दे रहे हैं, एक मिनट रुक। गाइस आप ये कुंड देख रहे हो ना, भैया ने मुझे अभी बताया, मुझे पहले से पता नहीं था कि इस कुंड के बारे में। कहते हैं ये इतना गहरा है कि इसमें सात हाथी समझ सकते हैं। सात हाथी समझते हैं आप, इतना गहरा है ये। दिखने में छोटा है पर बहुत गहरा है। और ये देखो चारों तरफ इतना ऊंचा ऊंचा। ये भैया बैठे उधर, वो टॉमी भी जा रहा है, छोटा भैया कुछ लेके आ रहा है उसे खिलाने के लिए। काफी भूखा है बेचारे की हालत देखो, मतलब बहुत ही दुबला पतला है। तो भाई हमारे पास प्रसाद था, हम निहालदेव भी गए थे, मैं और भैया तो उधर ही चढ़ाया था। इधर भी भैया ने कहा घूमते घूमते चल रहे हैं तो दर्शन भी कर लेंगे। यहाँ पे ये भैया ये मिल गया शेरू, इसको कोई डाल देते हैं खाने के लिए। अगर मौका मिले तो इनको डाल दिया करो यार, जो अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप डाल सकते हो उनको खाने के लिए। तो चलो आपको चल के दर्शन करवाते हैं। अब जी गर्मी वर्मी पड़ेगी ना तो आ जाता है। अच्छा रहता। शेर रहता है यहाँ पे, पर देखा है किस किसने ये तो पता नहीं। भाई कहने का है। हाँ जो कहते यहाँ रहता तो कोई नहीं। हाँ जो देखे वो आपको फिर फैसिलिटी हो गई। हाँ पहले तो कोई फैसिलिटी नहीं थी यहाँ पे। ये अब तो फिर पब्लिक आती जाती रहती है पहले तो। और यहाँ पे देखो क्यों भैया, मेले के टाइम पे पब्लिक आती थी। हाँ और यहाँ पे देखो प्राकृतिक रूप तरीके से, कितना नेचुरल तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। देखो पत्थर रखे हुए हैं, फुल नेचुरल है, इसमें कोई भी कृत्रिम तरीका नहीं अपनाया गया। आप देख लो देखो सांप आ रहा है। चला गया चलो महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए भैया ने। अंदर चला गया, यहाँ पे था। हम आए थे निहालदेवी माता जी के दर्शन करने के लिए, पर उधर मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये मैं यहाँ पे मेरी लाइफ में पहली बार आया हूँ केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए, मेरी जिंदगी में पहली बार आया हूँ। तो सोचा मैंने कि फर्स्ट टाइम आया तो ब्लॉग बना देते हूँ। मैं और मनीष भैया दर्शन करने के लिए आए थे। तो भैया ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पानी गिर रहा है चारों तरफ। ये देखो कितनी जोर से, आप लोग देख सकते हो। चलो चलते हाँ भैया, धीरे 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 धीरे। जय हो बाबा, आराम से यहाँ पे बहुत ही मतलब काई जम गई है यहाँ पे, तो फिसलन सी हो रही है। ये देखो इधर हाथ धो लेते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं और आप लोग भी कर लो। ये देखो वो उधर पानी, भैया पान जल चढ़ा रहे हैं, भगवान जी को जल अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पे तो इधर भीज रहे हैं भैया, ये देखो आराम से इधर सोई जम गई है, इससे तो फिसलन सी हो रही है। ये देखो कितने तेज पानी गिर रहा है यार इधर। ये देखो तो बड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये ऊपर से आप लोग देख सकते हो कितने ऊपर से पानी गिर रहा है यहाँ पे। तो बाबा महाकाल के आप सबने दर्शन किए, हमने भी किए, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं पहले कभी नहीं आया था यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगता है भगवान जी का। यहाँ पे उधर गए थे, वो पानी गिर रहा है ना वहाँ पे, उधर नीचे गए थे यहाँ से।
अब चलते हैं घर। अगर आप सबको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।